हर व्यक्ति जीवन में कुछ पाना चाहता है। पाने की चाह रखना गलत नहीं है, क्योंकि चाह ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है, प्रगति करवाती है। परंतु बिना सही तरीके के धर्म अधर्म का, कर्तव्य अकर्तव्य का, उचित अनुचित तथा आचार अनाचार का विचार किए अपनी पसंद की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा लोभ कहलाता है। लोभ कभी न पूरी हो सकने वाली इच्छाएं हैं। इसमें जितना व्यक्ति के पास होता है उसमें संतोष नहीं करता, बल्कि हमेशा और ज्यादा के लिए सोचता रहता है। दूसरों की खुशी को देख खुद दुखी रहता है। आइए हमारे शिशु को एक प्रेरक कहानी के द्वारा बताएं कि जीवन में संतोषी होना चाहिए, क्योंकि लोभ लालच से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। गर्भ संवाद प्रारंभ करें। इसके लिए अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपने शिशु से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक रोचक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने काम से वापस जा रहा था। वापस जाते समय उन्होंने एक पेड़ के पीछे कुछ चमकदार देखा। जब पेड़ के पास गया और जांच की तो उसे एक क्रिस्टल बॉल मिली। जैसे ही उन्होंने उस गेंद को उठाया उसमें से एक आवाज आई, मैं एक जादू की गेंद हूँ और मैं जिस किसी के हाथ में जाऊंगी उसकी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बूढ़ा यह सुनकर खुश हो गया। उसने बहुत सोचा कि वह क्या इच्छा मांगे, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सोचा कि उसे इंतज़ार करना चाहिए और तब तक वह बॉल को अपने पास ही रखेगा। दिन बीत गए लेकिन बूढ़े आदमी ने कुछ भी नहीं सोचा। एक दिन उसका दोस्त आया और उसने उसे उस क्रिस्टल बॉल के बारे में बताया। क्रिस्टल बॉल की जादुई शक्ति जानने के बाद उस दोस्त ने गांव के सभी लोगों को यह बता दिया। अब गांव में हर कोई उत्साहित हो गया और उन चीज़ों की इच्छा करने लगा जो वे चाहते थे। कुछ ने महल कहा, कुछ ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने गाड़ी। अब आलम यह था कि सबकी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे एक से ज़्यादा इच्छा नहीं मांग सकते थे। जल्द ही सब नाराज हो गए और दुखी हो गए। फिर ग्रामीण में से एक ने उस क्रिस्टल बॉल को ले लिया और वापस बूढ़े आदमी के पास गया और कहा, हर किसी को वह सब कुछ मिल गया जो वे चाहते थे, पर वे अभी भी दुखी हैं, कृपया मदद करें। आज बूढ़ा आदमी समझ गया कि उसे क्या चाहिए और उसने गेंद को अपने हाथ में लिया तथा कामना की, काश सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा कि पहले था। अब ग्रामीणों को क्रिस्टल बॉल द्वारा दी गई हर चीज गायब हो गई। जल्द ही ग्रामीण एक बार फिर खुश और संतुष्ट हो गए। देखो मेरे बच्चे, ये छोटी सी कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। लालच से कोई सुखी नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य लालच के मोह पाश में जकड़ा रहेगा तब तक उसका जीवन अशांत ही रहेगा। उन्होंने कहा कि लालच से इंसान की इच्छाएं अनंत हो जाती है, जबकि जीवन में संतोष ही सुख प्रदान करता है। अगर एक बार मनुष्य का मन संतुष्ट हो जाए तो वह लालच की दुनिया उसे कभी गलत काम नहीं करवा पाती।